सबको ओम शांति। आज हम सब आप एक विशेष जड़ी बूटी का अध्ययन कर चलेंगे और वह जड़ी बूटी आप देख रहे हैं हमारे घरों में प्रतिदिन प्रयोग होती है और उसका नाम है लहसुन। लहसुन एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जो भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाता है, लेकिन इसको धार्मिक रूप से उतना ही निंदनीय माना जाता है। परंतु आयुर्वेद के ग्रंथों में चाहे चरक हों वाग्भट हो, सब ने इसकी महिमा का गुणगान किया है, सभी इसके गुणों से कायल हैं और इसका आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर प्रयोगों का वर्णन है। जो सबसे अच्छा प्रयोग है वो हृदय रोग के लिए आपको बताते हैं कि हृदय रोग में इसकी कलियों को दूध में उबाल कर वह दूध पीने से हृदय रोग शांत होता है, हृदय रोग नियंत्रण रहता है। तो यह बहुत ही अच्छा हृदय बल है, हृदय को अच्छा करता है। और अगर आपको ज्वर हो जाए या मिर्गी की बीमारी हो, कान में कोई रोग हो, इन सब में इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग है। अगर आपको अक्सर ज्वर रहता हो तो इसको तेल में उबाल लें और तेल और लहसुन दोनों का ही सेवन करें तो क्या होता है, शरीर को निरोग रखने में मदद करता है और बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं कि हृदय रोग और सूजन हो शरीर में, इन दोनों में ही दूध में उबाल कर और लगभग एक मुट्ठी कलियां हों और दूध में उबालें खूब, इसके बाद उस दूध का सेवन करें तो धीरे धीरे हृदय वगैरह में बहुत ही अच्छा होता है। और अगर टीबी की बीमारी हो जाए जिसको राज यक्ष्मा कहा जाता है, तो इसके क्या होता है, इसमें इसका लहसुन का सेवन करने से बहुत ही अच्छा होता है। और अगर गले में खराश हो, गले की बीमारी हो, तो लहसुन का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत ही अच्छा होता है। अगर खांसी आ रही हो और दमा की बीमारी में भी लहसुन का अवलेह बनाएं और वह अवलेह का सेवन करें तो बहुत अच्छा है। लहसुन को अगर कृमियाँ हैं आपके शरीर में तो लहसुन की कुछ बूंदें दूध में मिलाएं, लहसुन के टिंचर की, और उसको पिए दूध को, तो बहुत ही अच्छा है। और लहसुन को शहद के साथ भी ले सकते हैं, इसकी कलियों को पीस करके फिर शहद में मिलाकर लेने से वात रोग में बहुत ही अच्छा होता है। वात रोग में बहुत फायदा करता है, माने शरीर में दर्द वगैरह को दूर करता है। और इसके साथ अगर सौंठ भी लेते हैं तो ये क्या होता है, खांसी को दूर करता है, दोनों में ही बहुत लाभदायक है। और जिन स्त्रियों के लिए आपको बता दें कि सौंदर्य को अच्छा रखना है तो सौंदर्य को अच्छा रखने में भी लहसुन का प्रयोग स्त्रियों को करना चाहिए, इससे उनके शरीर में लचक रहती है और कमर का दर्द नहीं रहता है, शरीर में और भी कहीं दर्द हो तो वह नहीं होता है। और दूसरी गर्भवती महिलाएं भी इसका अगर सेवन करती हैं, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे संतान उनकी मेधावी और सुंदर होती है, माने संतान को भी अच्छा बनाना है तो लहसुन का सेवन करना है। तो आपकी आपने यह वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग लहसुन का सेवन करें संयमित मात्रा में और इसके लाभ लें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।